औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप हमें बता दें कि हमारे 9th के सेकंड एनुअल एग्जाम्स कब हो रहे हैं। पहले तो बच्चे आप लोगों के होते थे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, अब आप सब जानते हैं कि आपका रिजल्ट आ गया 9th क्लास का, आल पंजाब बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे बच्चों की सप्लीज आती हैं। तो पहले सालों में, पिछले सालों में ये होता था कि जब आपकी सप्ली आती थी तो आप लोग सप्ली को क्लियर कर लेते थे, जो आपके यानी कि रिजल्ट के 40 दिन के बाद आपका जो आता था एग्ज़ाम का शेड्यूल, ठीक है। इस साल उन्होंने ये किया है कि आप लोगों का जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सप्ली एग्ज़ाम इस साल नहीं होने वाले आप लोगों के। तो ये बहुत ही खुशी की न्यूज़ है, जब आपका रिजल्ट कार्ड बन के आएगा उस पर सप्ली नहीं लिखा जाएगा, इंप्रूवमेंट नहीं लिखा जाएगा। तो ये एक किस्म के आप लोगों के सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में नंबर कम आए हैं तो आप लोग इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। एज अ सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम कोई इंप्रूवमेंट का नहीं लिखा जाएगा, कोई सप्ली नहीं लिखा जाएगा आपके पेपर पर। आप लोग इसको ईजिली यानी कि एक किस्म के सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ताकि आप लोगों की अगर पहले तैयारी अच्छी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बीमारी थी आपको, या कुछ भी आप लोग किसी भी काम में बिजी थे, तो आप लोग ये सेकेंड एनुअल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। आपका रिजल्ट आ गया, आपके पास तकरीबन 40 दिन है, ठीक है। 40 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी सारी तैयारी को कवर करना है। जिन सब्जेक्ट्स में आपकी सप्ली है या मार्क्स कम है, आप लोग उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम की डेट है, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम की डेट क्या है, यानी कि 9th क्लास के जो सप्लीमेंट्री पेपर होने थे, अब वो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसकी डेट क्या है। एग्जैक्ट डेट बच्चे 15 सितंबर से आपके जो हैं 9th क्लास के सेकंड एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें। दोबारा बता रहा हूँ, 15 सितंबर से आप लोगों के सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स अब नहीं कहा जाएगा, ये सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स ही कहलाएंगे। तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अभी से तैयारी शुरू कर दें और जिन सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स कम हैं आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। 9th में कम है, 9th के एक सिंगल सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर 10th में किसी में कम है तो 10th का आप लोग सिंगल सब्जेक्ट भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ये न्यू पॉलिसी है, ठीक है। तो आप सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे अच्छे पेपर देना है। अगर आप लोगों को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया, हमारी दफ़ा तो ये होता था कि एक दफ़ा पेपर होते थे और उसके बाद हमें अगले साल पेपर देने पड़ते थे इम्प्रूवमेंट के, लेकिन इस साल आप लोग इम्प्रूवमेंट 40 दिन के बाद, यानी कि जो सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं 15 सितंबर से, आप लोग उसमें अपना पार्टिसिपेट करके, यानी कि अपना यानी कि एडमिशन भेजें, जल्द से जल्द अपना एडमिशन भेज के आप लोग अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी स्टार्ट कर दें। और जो डेट्स हैं एडमिशन की, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या कोशिश करूंगा जैसे ही मुझे अपडेट्स मिलती हैं मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँ। तो अब मगरिब की अज़ान का टाइम हो गया, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग ईजिली उसको वॉच कर सकें। अल्लाह हाफिज़।